टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियर, जिस टेक्नोलॉजी को आप यहां देख पा रहे हैं, ये एक सिंबल है पैटेंट की, और इसकी सरकी में एक विजन मिशन और उसकी जो सोच थिंकिंग है वो दुनिया के अंदर ये एक यूनिक मॉडल की थिंकिंग है। वो क्या है, इनका जो विजन विजन मिशन है पूरी दुनिया के अंदर एक यूनिक, जिसको कहते हैं कि एक नेचुरल थिंकिंग हम लोग कह सकते हैं, नेचुरल थिंकिंग के साथ में इनका विजन मिशन जो है बहुत स्ट्रांग है, ताकि दुनिया के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ताकि आने वाला टाइम के अंदर धरती को बचाए, और साथ में कुछ ऐसा कारमा करके टेक्नोलॉजी, जिसकी बदौलत मैं डेनिस सर को मैं जरूर अपने दिल से सैल्यूट करता हूं कि ऐसी बड़ी सोच के साथ में और इतनी हाइपर लेवल में सोच करके विंड के बारे में इस तरह की सोच रखना, ये अपने आप में अद्भुत है। दोस्तों इसी के साथ में मैं कहना चाहूंगा, आज तकरीबन 11-12 कंट्री के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी 75 कंट्री के अंदर हम लोग पैटेंट की फाइल लगा चुके हैं, तकरीबन जिसमें से 11 से 12 कंट्री के अंदर हम लोग पैटेंट ले भी चुके हैं। तो कहने धीरे धीरे करके हम लोग 75 कंट्री के अंदर हम लोग पैटेंट ले चुके होंगे। जिस दिन हम लोग पैटेंट 75 कंट्री के अंदर ले चुके होंगे, तब तक हम लोग इस सिस्टम के बदौलत हम लोग इसकी, जिसको कैसे हैं, किसी भी एक्सचेंज के अंदर हम लोग लिस्टिंग की तरफ हम लोग पहुंच चुके होंगे। यानी कि 75 कंट्री हमारे लिए एक तरह के टारगेट भी है और हम लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। यदि किसी को कोई पैटेंट वाला सिंबल देखना है जहां से, तो वहां पर क्लिक करके वहां सारी चीज आप वहां से रिपोर्ट आप यहां देख सकते हैं। तो इसी पे आधारित ये जो टेक्नोलॉजी है, हाउ टू बिकम ए को-ओनर, अभी जो जितने भी लोग यहां जुड़े हुए हैं, तो इनको अधिकतर लोगों के दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ, सर हम रोज ही रोज एक ही टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे लिए यहां बेनिफिट वाला पार्ट कब है, हम लोग यहां सबसे बड़ा इनकम कब जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि यहां पर पैशन सी अभी आपका इनकम है। वो कैसे, क्योंकि अभी आप इस टेक्नोलॉजी की बिल्कुल शुरुआती पायदान में इनके साथ में जुड़े हैं, और धीरे धीरे करके हमारे टेक्नोलॉजी का जो सबसे मेन जो आदमी है, मेन जो पार्ट है, वो आप सभी लोग हैं। तो कंपनी ने आप लोगों को स्पेशल जो ऑफर दिया है, वो को ऑनर का एक आपको ऑफर दिया है। को ऑनर का मतलब ये है, हम इस टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते थे, मगर हमने लोन ना लेकर के हमने आप लोगों को इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में एक मालिक बनने का अधिकार देने का हमने रास्ता ढूंढा, जिनके माध्यम से क्या होगा कि हमारे पास में 314 टोटल हमारे पास में प्री आईपीओ बिलियन शेयर हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें से केवल 10%, यानी कि 314 बिलियन का 10% होता है तकरीबन 31 बिलियन समथिंग, राइट? ये बिलियन केवल हमने आप लोगों के लिए रखा है। जितने भी लोग हमारे प्री आईपीओ यानी कि तकरीबन 10% के अंदर जो भी लोग अभी बाय कर रहे हैं, उन लोगों को इसकी को ऑनर का फायदा उन लोगों को दिया जाएगा। यानी कि जो फायदा, यदि हम बैंक से लोन लेते तो लोन के बदले में हमें हर महीने हर साल हमें इंटरेस्ट देना पड़ता, मगर यहां पर हम लोगों ने एक पैसा क्राउड फंडिंग कह सकते हैं उसको, और हमारे प्री आईपीओ के माध्यम से हम लोग जो बाय कर रहे हैं, तो 60% हमारी जो टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश हो रहा है, तो उससे जहां पर भी हमारा टेक्नोलॉजी का बिल्डिंग खड़ा होगा तो वहां पर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, तो उससे जो भी हमारा लाभांश होगा, उस लाभांश का कुछ हिस्सा हम जितने भी हमारा शहर मालिक है, इस 10% के माध्यम से जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को वो जो जिसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमारे लोगों के अंदर बांट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो जो लोन के माध्यम से जो पैसा बैंक में जाने वाला था, वो उधर ना जा करके हम लोगों के अंदर ये पैसा डिवाइड होगा, जिसे कहते हैं हाउ टू बिकम ए को-ओनर। तो हम लोग सहभागिता, जिसको कहते हैं सह मालिक के रूप में, हम प्रॉफिट जब जब इसका बिल्डिंग कहीं पर भी पूरी दुनिया में, चाहे आप काम करें या ना करें, जब भी इसका बिल्डिंग कहीं लगेगा, कहीं विस्थापित होगा, तो वहां से हम लोगों को इसका शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा। Why investing now you have the opportunity to become receive income with a small investment?
Now your buy company is here, significant, and the discount after the product. Enter the world market, the value your share, it will increase significantly. दोस्तों मैं इस बात को थोड़ी सी यहाँ पर और बताना चाहूंगा. जिन लोगों ने शुरुआत में, जैसे हमारे 2018 के साथ में हमारी शुरुआत हुई थी, जब इन लोगों ने शुरुआत किया उस समय चंद लोग थे, चंद लोगों ने विश्वास भी किया, चंद लोगों ने बाय भी किया. उस समय कोड़ी के भाव में यानी कि बहुत ज्यादा शेयर मिला करता था, मगर धीरे धीरे करके कंपनी के डे वन से वही डिसाइड था जो लोग अभी निवेश कर रहे हैं. जब हम लिस्टिंग के पायदान में पहुंच जाएंगे उस दिन तकरीबन वो आदमी 300 गुना प्रॉफिट के दायरे में पहुंच चुका होगा. तो धीरे धीरे करके हम लोग उस पायदान के बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं जिसमें हमारा 10% जो शेयर है वो केवल 14.2 स्टेज के अंदर सारा सेल आउट होना है. वो जैसे ही सेल आउट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग लिस्टिंग की पायदान में पहुंच जाएंगे. अब जब लिस्टिंग में पहुंच जाएंगे उसके बाद में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होगा डिविडेंड फंड का. शेयरिंग प्रॉफिट डिविडेंड फंड से पहले के इनकम का जरिया होगा आप लोगों का, मगर जब ये लिस्टिंग हो जाएगा तो लिस्टिंग की जो क्राइटेरिया पैमाना आप इसको अंकलित कह सकते हैं, करीब $1 से लेकर के $7 के बीच में कुछ भी यहां पर निर्धारित की जा सकती है. डिपेंड करेगा हमारी बैक ऑफिस के अंदर हमारी सपोर्ट कितनी है, हमारी क्रिएटिविटी वैल्यू कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहां पर शेयर लिस्टिंग होगा. तो $1 से लेकर के $7 कुछ भी जा सकता है. इसका डिविडेंड फंड लाइफ टाइम जब जब आपके पास पड़ा रहेगा आपको शेयरिंग डिविडेंड फंड आपको मिलता रहेगा. इट्स मोर प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड, जिसका हम लोग कह सकते हैं दोस्तों अभी शुरुआती दौर है. तो जिन लोगों ने शुरुआत दौर में कभी किसी के ऊपर जब अच्छी तरीके से उनकी नॉलेज लेकर के आपका विश्वास की जो पात्र है जब वो बड़ा हो जाता है तो दोस्तों प्रॉफिट लेने का आप सबसे बड़ा आप उस पैमाने में खड़े हो जाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं अमेजन है, एप्पल है, उसके बाद गूगल है. हम लोग बार बार इनका उदाहरण क्यों देते हैं, इन लोगों ने मार्केट के अंदर एक डिमांड की क्यूरियोसिटी को यहाँ क्लियर किया है जिनको देख करके आज हम लोग बात करते हैं. आज ये शेयर भी कुछ ही चंद डॉलर में ये लिस्टिंग किया गया था, मगर आज किसी डॉलर की कीमत $3,300 भी है, किसी के $250 कीमत है, किसी का $225 भी किसी का कीमत है. यानी कि जो चीजें आज जब कोड़ी के भाव में जब मार्केट में आया था तो उन लोगों ने केवल टेक्नोलॉजी को देख करके जिन लोगों ने निवेश किया होगा आज वही लोग आज अरबपति हो गए होंगे. यदि 18 साल 15 साल पहले किसी ने निवेश किया होगा आज उनके पास में डिविडेंड फंड इतना बड़ा आ रहा होगा कि वो अरबों में खेल रहा होगा. तो कहने का मतलब छोटा सा निवेश, यदि आपकी सोच बड़ी है तो छोटा सा निवेश आने वाले टाइम का आपको अरबपति बना सकता है. वो बनाने के पीछे थोड़ी सी आपको अपनी सोच को इंक्रीज जरूर करना पड़ेगा जिसके बदौलत आप अमीर बन सकते हैं. तो उसी के स्टेज में हम लोग खड़े हैं जिसका नाम है वीटर. आज आपको पूरी की पूरी 100% आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है. ये अपॉर्चुनिटी केवल हमारे बिजनेस के लिए नहीं है, ये केवल आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए और आपके खुद के लिए. इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी में कहीं हमें भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलता है. केवल हमें मिलता है निवेश करने का और अलग तरीके की इंडस्ट्री के अंदर हमें निवेश करने का मौका मिलता है. जैसे आज जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है. टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी आपको पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगा. तो होगा क्या, अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा. जैसे कि पहले भी हम लोग जिसके ऊपर डिपेंड थे, सोना चांदी, उसके बाद रियल एस्टेट का बिजनेस, जो अभी भी यदि आप उसी के ऊपर डिपेंड है तो आपको वही मिलेगा जो पहले से अब तक मिलता आ रहा है. दोस्तों थोड़ी सी अपने आपको बदलाव करने की जरूरत है, इस टेक्नोलॉजी को समझे. ये कोई नई चीजें नहीं है कि हम लोग आविष्कार करके मार्केट में लेकर के आएंगे. पवन ऊर्जा के माध्यम से पहले भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसका 10% हम लोग अभी के दिन में उनके विंड के माध्यम से हम लोग उसका कवर कर रहे हैं. मगर आने वाला टाइम का जो हमारा स्कोप है वो तकरीबन 55% हम लोग विंड रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से पूर्ति जरूर करेंगे. क्योंकि जिस तरीके से आप ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से सुना होगा तो वहां पर जब उस एनर्जी को भी जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी. हाइड्रोजन जैसे प्रोड्यूस होगा जैसे H2O2, तो
तो वहां पर H2 यदि हम लोग निकाल देते हैं तो वहां पर भी उस पानी को हम जब वहां से ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो जब वहां जरूरत पड़ेगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऐसी माध्यम से क्रिएट कर रहे हैं जहां केवल हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हर जगह पे है, मैं कहता हूं लिथियम थोड़ी महंगी जरूर है मगर हाइड्रो जैसे ग्रीन हाइड्रोजन वो सस्ती है, मगर वहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेकर के आएंगे। तो इन चीजों को डिमांड को देख करके जो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो इन चीजों को आप अपने आप में एनालिसिस करें कि आने वाला टाइम के अंदर हमें किधर निवेश करना है और किस इंडस्ट्री की तरफ हमें जाना है। जितनी पॉइंट हम डीपली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट की नजर भी इसी तरफ है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जब किसी विदाउट फ्यूल के हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और जहां पर जो है आप बायोगैस कहे अलग तरीके की तमाम जो चीजें होंगी वह किसी ना किसी के साइड इफेक्ट जरूर है, मगर यहाँ विदाउट साइड इफेक्ट में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों आप कैलकुलेशन लगा के दे सकते हैं ये विंड एनर्जी आने वाले टाइम के अंदर कितना ज्यादा यहाँ लोड ऑफ डिमांड यहाँ पर क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट रोडमैप है करीब 2019-21 के बाद में 2023 तक का रोडमैप भी दे रखा है कि कब हम क्या करने वाले थे और क्या क्या कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे करके। इसी तरीके से 2026-27 तक हो सकता है कि हम लोग लिस्टिंग में पहुंच जाए। ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है जिसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट टीम का तो मैं दोस्तों इस तरह से बता दूं कि जो अभी हम लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल या बैक सपोर्ट में जो भी हम लोग टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं आज इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि हमारे बीच में रशियन बैलेंस है, रूसलन बैलेंस है जो आर्किटेक्चर है इस सिस्टम के अंदर, और इंटरफेस फोटो प्रोटोटाइपिंग ये सर्गे सेडो जी है और आप मिले ही हैं मैक्सिम पैरवे, आप इससे मिले ही चुके हैं। तो कहने का मतलब ये सारे जो लोग हैं ये हमारे बैक ऑफिस को सपोर्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। ये सुपरवाइजरी कमेटी है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं नेम फेम, एक ऐसा वे बना हुआ है जिनके माध्यम से जो इनको अभी हल्के भी मिले रहे फ्यूचर में यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि जो लोग वाकई में डेडिकेशन के साथ में इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं और इनको देख रहे हैं तो मैं इसको क्लियर के शब्दों में कहना चाहूंगा, यदि वाकई में आप इस टेक्नोलॉजी को सीरियसली प्रमोट कर रहे हैं और लाइफ में आपकी हम्बल कुछ करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके सुपरवाइजरी कमेटी में अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप करके यह अपने पायदान को खड़ा करें। ये आने में आने वाला टाइम के अंदर यहाँ पर आना कोई मामूली बात नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी करके इस टेक्नोलॉजी की माध्यम से यहाँ जो लोग अभी एक्टिव है उन लोगों की छटनी होनी है और यहाँ छटनी होने के बाद में ये यहाँ पर सारे लोग नहीं दे पाएंगे, जो एक्टिव है और प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी शानदार है दोस्तों, यही पे वो सारे लोग रहेंगे। तो मेरे कहने मतलब अभी आपके पास मौका है, जितने लोग इनएक्टिव है वो सारे यहाँ से क्लीन होंगे और जो एक्टिव है वो यहाँ पे रह जाएंगे। यस मोहित दी आप यहाँ पे हैं तो प्लीज, थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रही है। ओके विपुल जी, थैंक यू वेरी मच, थोड़ा सा मुझे समय लगता है।
राइट मेरी आवाज आ रही होगी बिल्कुल जी, राइट सभी को अभी आवाज आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है विपुल जी, प्लीज एक बार। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो अभी हम लोग 93 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। आज का अपडेट देने से पहले मैं सभी से एक ना प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सजेशन आया टीम से, तो उसी सजेशन को मैं आपके साथ आप शेयर करना चाहता हूँ। 93 की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है और लगभग सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक प्रॉमिस करना है अपने आप से, किसी और से नहीं सर, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर लगातार 16 महीने अपडेट दिए हैं। अब आपकी बारी है कि आपको एक छोटा सा टास्क दिया जा रहा है और उस टास्क को आप कीजिए, ठीक है। टास्क सिर्फ इतना है कि जब भी आपको जूम मीटिंग का लिंक मिलता है अगली बार से, जैसे कि कल भी जूम मीटिंग होगी, ठीक है, तो टास्क सिर्फ इतना सा है कि आप जो लोग अभी मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के एक मेंबर को आपको इसके अंदर इन्वाइट करना है। मतलब उसको लेके आना ही है कैसे भी करके, कि भैया आपको आना है। सिर्फ हर एक के लिए क्या टारगेट है, सिर्फ एक पर्सन ओनली, ठीक है। बाकी इस जूम की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है वो मैं बढ़ा लूंगा, बस आपको अपने आप से ये वादा करना है इस वीटर की जूम के अंदर कि जो भी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सिर्फ आपको एक लोग को लेके आना है, ठीक है। अब चाहे वो आपका जो पर्सन है वो डेली वही हो या कोई और हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो आप नए नए पर्सन को भी अपनी टीम में से ही आप बार बार इनवाइट करके लेके आ सकते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ एक का, ठीक है। और अगर आप ऐसा प्रॉमिस करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ हम लोग बहुत तेजी से बढ़ा के लेके चले जाएंगे, और साथ ही ना सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका और हमारा सबका बिजनेस भी यहाँ पे तेजी से बढ़ेगा और हमारी टीम की ग्रोथ भी एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। जादुनाथ जी प्लीज, आपके पास मैं पहुंचूंगा बहुत जल्दी से, आप प्लीज हैंड रेज करिए रखिएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सभी 94 पार्टिसिपेंट्स के लिए, सिर्फ इतना है कि आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है अगले कभी भी जब भी सेशन होता है तो आपको एक नए पर्सन को इस जूम के अंदर इनवाइट करना है, बिठाना है। चाहे उसको कॉल करके बोलिए, ठीक है, या आप मैसेज करके बोलिए, लेकिन आपको बिठाना जरूर है, ठीक है। और अच्छा होगा कि आप एक पर्सन को टारगेट करो और मीटिंग के अंदर देखो कि वो है या नहीं है, शाम के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ठीक है। ये 1 घंटे आप उसको वॉच करते रहो कि आप हो या नहीं हो, बस जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है बस उसका आपको सुनना है। ये एक प्रॉमिस है, ठीक है, जो आपको मुझसे नहीं, आपको खुद से करना, क्योंकि आप खुद भी इसके अंदर इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, को ओनर हैं, ओके। तो ये आपको इतना छोटा सा आपको टास्क करना ही करना है, ओके। तो अभी मैं एक मिनट, चैट में किसी ने कुछ लिखा है वो मैं देख लेता हूँ। यस श्योर, आई हैव इनवाइटेड मोर देन 5। हाँ अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हों, लेकिन कम से कम एक पर्सन को तो हम लोग बड़ी आसानी से इसमें इनवाइट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा अपडेट है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो हम लोग जो लिस्टिंग के लिए बोलते हैं ना बस, वो बाकी में यार काम की चीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखा, और अगर देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी देता हूँ। जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, ठीक है विपुल जी। मैं एक छोटा सा अपडेट है इसको मैं दिखाना चाहूंगा, प्लीज आप, ओके। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन जो है वो सभी को दिख रही है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये छोटा सा एक अपडेट है आपकी स्क्रीन के सामने, वैसे तो सारे के सारे अपडेट आपको मिलते ही हैं, लेकिन ये देवेंद्र साहू जी की तरफ से ये अपडेट है जो कि सपोर्ट से पूछा गया है, ओके। तो अपडेट ये क्या है, रुक जाओ, जो भी है, ओके। टू एंटर द स्टॉक एक्सचेंज इट इज नेसेसरी टू हैव द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी स्केल ऑफ लाइसेंस फॉर 3 ईयर टू शो हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क ऑन द रियल कम्युनिटी to do this it is necessary to conduct an independent assessment of the intellectual property and contribute to the authorized capital of the company get all 75 patent information on which exchange of beater take place city LES jo hamara gorod logistic ecosystem hai will happen after a while we are planning to enter the stock exchange in 2025-27 share will be exchanged for 1:1 but this is only an approximate ratio
एज द वैल्यू ऑफ द शेयर कैन बी एज द लिटिल एज कम से कम ये $1 हो सकते हैं और उससे अधिक भी. ओके एट एग्जिस्ट द प्राइस ऑफ वन शेयर विल बी एटलीस्ट $1. शेयर कैन बी सोल्ड $1 पे आप इस शेयर को बेच भी पाएंगे. ओके तो अब हिंदी में क्या मतलब है, हिंदी में ही पढ़ लेते हैं भाई क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है. ओके स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने के लिए यह आवश्यक है कंपनी की अधिकृत पूंजी होना 3 साल की लाभप्रद, मतलब 3 साल प्रॉफिटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए. लाइसेंस की बिक्री दिखाने के लिए, ओके यह दिखाने के लिए कि तकनीक वास्तविक वस्तु पर कैसे काम करती है. ऐसा करने के लिए बौद्धिक संपदा का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना और कंपनी की अधिकृत पूंजी में योगदान करना आवश्यक है. सभी 75 पेटेंट इसमें शामिल हैं. ठीक है, सूचना जिस पर बीटर का आदान प्रदान होता है, सिटी एलियस थोड़ी देर बाद, मतलब उसके बाद आएगा जो गोरोड एलियस सिटी का. एंड हम 2025 से 27 में स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं. शेयर एक अनुपात एक के लिए शेयर का आदान प्रदान किया जाएगा, लेकिन यह केवल एक अनुमानित अनुपात है क्योंकि एक शेयर का वैल्यू $1 या अधिक से कम हो सकता है. बाहर निकलने पर जब इसका शेयर लिस्टेड हो जाएगा राइट, निकलने पर एक शेयर की कीमत कम से कम $1 तो रहेगी जिसपे आप शेयर को बेच भी सकते हैं. ओके तो अच्छा अपडेट है. ठीक है, सभी को समझ में भी आया होगा. एंड यस अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. जो भी आपके सजेशंस हैं वो सजेशंस पे हम लोग बात करेंगे. ओके ठीक है, मिस्टर BES आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था. ठीक है, जो बार बार पूछते रहते हैं ना हम लोग कि सर वो तो मार्केट में तो $1,000 बोलते हैं, $3,000 बोलते हैं, हम तो कम से कम बोलते हैं सर कम से कम $1 तो जाएगा, ये बेयर मिनिमम प्राइस है. ये सर मिस्टर BES प्लीज अपना नाम बताइए एक बार. जी मेरा नाम है बाबुरो एकनाथ शिंदे. क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन. मुझे जब भी मैं शिंदे जी का नाम सुनता हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे जी की गवर्नमेंट आ गई. नहीं वो शिंदे नहीं सर, हम कोई बात नहीं सर, शिंदे सब एक जैसे हैं. बोलिए बोलिए. थैंक यू सर. पुणे से बात कर रहा हूँ मैं. हाँ सर, बहुत दिन पहले गोरोड का जो स्टेज चेंज हो गया उसके पहले एक अफवाह चल रही थी कि गोरोड के जगह अपना वेटर का स्टेज चेंज होने वाला था. नहीं अफवाह नहीं आज तक. अफवाह नहीं है सर, मैं बता देता हूं. नहीं चर्चा थी सॉरी सर लफ्ज थोड़ा सा गलत हो गया. चर्चा थी वेटर की स्टेज चेंज होने जा रही है और कल हो रही है आज हो रही है ऐसा करते करते वो गोरोड की हो गई लेकिन वेटर की कभी हो रही है. ठीक है, बहुत अच्छा है सर, मैं बताना चाहूंगा. एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मैं बता देता हूँ. वेटर की जब आखिरी बार स्टेज चेंज हुई थी तो 8 दिसंबर 2021 को हुई थी. ठीक है जी सर जी. एक चीज, दूसरी चीज, वीटर की जब पहली बार कभी स्टेज चेंज हुई है ना सर तो वो 26 अप्रैल को हुई थी और उसके बाद में अभी रिसेंटली इस मंथ में हुई है शायद 1 जुलाई आई थिंक 1 या 2 जुलाई को. ठीक है, तो गोरोड की तो स्टेज 2 बार चेंज हुई है अभी तक लेकिन वीटर की काफी बार हो चुकी है. और मैं इतना बस सिर्फ इसके अंदर इतना ही बोलना चाहूंगा कि वीटर की स्टेज जब भी चेंज होगी उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सर 50% शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है पैकेज की जो वैल्यू है, हाँ मतलब $100 के पैकेज में अभी जो 34,000 शेयर्स आते हैं उसमें पूरा 50% कट ऑफ जाएगा, यानी 17,000-17,500. हाँ इतना रह जाएगा. उसका कारण बता देता हूँ. उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सर ये है कि अभी डेनिस जो है वो एक जगह निर्धारित कर रहे हैं जहां पर इसी साल नवंबर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है. ओके सर. ठीक है, ऐसे इनके बहुत सारे प्रपोजल्स हैं लेकिन उन प्रपोजल्स को भी स्क्रूटनी करना है कि भैया हमें वन शॉट में ही ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर हम लोग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें. जी सर. ठीक है सर, थैंक यू सर बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली जी. उसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है कि स्टेज चाहे जो भी हो सर, चाहे शेयर अभी आपको 34,000 मिल रहा है या फिर जब भी अगली बार चेंज होगा 17,000 मिलेगा, अगली बार चेंज होगा 10,000 मिलेगा, लेकिन जब भी इसका एक पायलट प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो जाता है उस दिन सारी स्टेज खत्म हो जाएंगे.
फिर चाहे आपकी दसवीं स्टेज चल रही हो, बारहवीं चल रही हो, चौदहवीं चल रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन इसका पहला टावर खड़ा हो जाएगा, ठीक है, उस दिन इसकी सारी स्टेज खत्म हो जाएंगी सर, और उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होगी। ओके सर, ठीक है, ठीक है। ऐसा ऐसा डेनिस भी बोलते हैं और मैक्स भी बोलते हैं कि ठीक है, अभी जब तक जो बना रहे हैं शेयर आप बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल गई। धन्यवाद सर। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। यस मिस्टर रतुल गुप्ता जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। अभी हम लोग 96 पार्टिसिपेंट्स हैं। रतुल गुप्ता जी, जी सर। सर हाउ यू? बहुत अच्छे सर। सर बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना था, आपने जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी ना, मैं बस उसी टाइम ज्वाइन किया, सुन नहीं पाया, बस थोड़ा सा एक लाइन में बता देंगे क्या इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो, प्लीज। हाँ मैं बता देता हूँ, प्लीज। देखिए जो मार्केट में जो र्यूमर्स आते हैं ना सर, की इसका प्राइस जो है लिस्टिंग पर $10 जाएगा, $100 जाएगा, $1000 जाएगा, ठीक है, नहीं उन पे ध्यान नहीं देना सर। कंपनी कहते हैं कि हम लोग 2025 से लेकर 2027 में स्टॉक एक्सचेंज में जाने का पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर खुद की प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल की शो करनी होती है, सभी 75 पेटेंट जो है इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं, राइट, देन उसके बाद ही हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जा पाएंगे। लेकिन ये गारंटेड है कि हम लोग मिनिमम $1 पर जाएंगे ही जाएंगे, उससे कम नहीं जा सकते, और उस आपके पास जो शेयर है उसको भी आप $1 पर बेच पाओगे कम से कम। मतलब मैं ये मान के चलूं कंपनी की तरफ से मैक्सिमम 2000 मैक्सिमम ले लेते 2027, राइट? हाँ जी, हाँ जी। सपोज कीजिए मेरे पास 4,00,000 शेयर्स हैं, तो हम कंपनी की बात माने तो मैक्सिमम 2027 में मैं अपने 4,00,000 के 4,00,000 शेयर चाहे तो मिनिमम $4,00,000 में सेल कर सकता हूँ, एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मिनिमम ये, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम मतलब मिनिमम, हां मिनिमम कंपनीज को बोल रहे हैं कि मिनिमम $1 ही होगा, कि मिनिमम एज मिनिमम एज पॉसिबल $1, ठीक है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी ये मान के चलें कि 2027 सेंट तक मिनिमम जितने पर जितने शेयर है $1 के हिसाब से सेल कर सकते हैं मार्केट में, एम आई राइट? बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और डिविडेंड कब से मिलना शुरू होगा, थोड़ा सा बस ये आईडिया दे देंगे प्लीज? बस आप जब आप इसका लिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद में अपने शेयर को आप संभाल के रख लीजिएगा, उसके अगले साल डिविडेंड आ जाएगा। लिस्टिंग मतलब 2027 की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपने बोला ना कि हम लोग उस शेयर को बेच पाएंगे सर, तो बस आपको करना क्या है, लिस्टिंग होने के बाद में उस शेयर को आप संभाल के रख लीजिए, अगले साल उसका डिविडेंड शुरू सर। अगले साल में बोले तो 2028, राइट? 28 में, हाँ बिल्कुल ठीक है। टेंटेटिवली कुछ आइडिया, सपोज करो किसी के पास 4,00,000 शेयर्स है, टेंटेटिवली अंदाजा, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, टेंटेटिवली कितना मिनिमम डिविडेंड, हम मिनिमम की बात करते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, एनी आइडिया? 1,000 शेयर पे $1, सॉरी 1,000 शेयर पे $1, 1,000 पे $1, 10,000 पे $10, 1,00,000 पे $100, राइट? हाँ, 4,00,000 पे $400, $400 मतलब मिनिमम 4,00,000 पे $400 हम लोग 2028 से उम्मीद कर सकते हैं, पर ये पर हम मंथ ईयर की बात करें, नहीं पर ईयर की, पर ईयर की, पर ईयर की बात। हाँ, ये डबल भी हो सकता, ये डबल भी हो सकता और 3 times भी हो सकता है। हाँ, मिनिमम इतना आएगा, मतलब मिनिमम ये, हाँ, मतलब 2028 में हम मिनिमम इसके पास 4,00,000 शेयर है $400 पर ईयर का डिविडेंड उम्मीद कर सकते हैं, राइट? हाँ, और जिसमें कि कंटिन्यूअसली आपके शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा। हाँ, प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा, मतलब मिनिमम $1 तो रहेगा ही रहेगा, उसके हिसाब से और भी इंक्रीज होता रहेगा, राइट? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। मैं नटशेल में बोलता हूँ, मोटा मोटी 2027 एंड में मिनिमम हम $1 पे अपने शेयर्स को सेल कर पाएंगे, और 2028 में किसी के पास 4,00,000 शेयर्स हैं तो $400 मिनिमम पर ईयर का डिविडेंड आएगा 2028 से, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अतुल जी, आप मेरी इसमें हेल्प करिएगा प्लीज, अगर किसी के पास 1,00,000 शेयर है, ठीक है, तो उसका कितना डिविडेंड बनेगा अगर हम $1,000 पे, अगर सॉरी 1,000 शेयर पर अगर हम $1 काउंट कर रहे हैं, तो 1,000 पे $1 सर, 4,00,000 पे $400, तो इंटू 25 कर लीजिए, $1,000, हाँ 25 इंटू 400 कर लीजिए सर, सॉरी 4,00,000 पे $400 हो गया, 40,00,000 पे $4,000 हो गया, 4,000 इंटू 2.5 $10,000 हो गया सर। हाँ ठीक है, और एक ये, हाँ ठीक है, अगर हम आज की डेट में अगर एक करोड़ अगर शेयर बनाने में कामयाब हो जाते हैं सर, तो ये $10,000 जो है साल का कुछ कम नहीं होता बॉस, कम से कम 8,00,000 रुपए होता है प्रैक्टिकली। योर गुड नेम सर? मेरा नाम मोहित है सर। मोहित जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में? मतलब मैं भी दिल्ली से हूँ सर। सर पता है प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में मार्केट में ऑप्शंस इतनी अवेलेबल हैं,
लोगों इतने झटके खाए हुए हैं, इतने धोखे खाए हुए हैं कि लोगों को आराम से किसी चीज पे विश्वास नहीं होता। अगर मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हुई हो, मेरे को भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है अपने एक्सपीरियंस के साथ। सर इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लगवाने वाला भी डरता है और लगाने वाला भी डरता है, क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत धोखा खाया हुआ है। अगर आप मेरी बात से एग्री करेंगे तो सही है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 साल के लिए FD फॉर्मेट में लेके आइए ना। हाँ नहीं सर वो तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब ओपन आपसे पहली बार थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था। दिल्ली में कहाँ से हैं सर आप मोहित जी? अगर पता मैं मयूर विहार। अच्छा मैं आपके पड़ोस में हूँ, मैं पटोगंज में हूँ। बहुत बढ़िया सर, तो आप बिल्कुल पास में ही हूँ। तो आप कब से इन्वॉल्व है मोहित जी इस प्रोजेक्ट में? मैं सर पिछले 16 महीने से। तो आपको मोहित जी नंबर मिल सकता है इफ यू डोंट माइंड? कुछ और अगर मीटिंग करवानी है, कुछ लोगों से बात करवाना हो तो इफ यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है सर, डोंट वरी। आप मेरे को किस पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे, कैसे फॉरवर्ड करेंगे? आपको मैं पर्सनली चैट पे कर रहा हूं सर। चलो आप चैट पे कर दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे मिलते हैं फिर किसको कुछ नो अच्छा कराते हैं। आप मेरे को पर्सनली चैट पे भेज दीजिए नंबर एक बार आपको, ठीक है सर? ओके थैंक यू सो मच सर, मैं भी अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूं, कोई इशू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मोजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, तो देखिए अभी हमने अतुल गुप्ता जी से बात करी, राइट? तो हम लोग इसको और बड़े लेवल पर क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है अब कम्युनिटी से बाहर निकलकर, मतलब कम्युनिटी हम लोग डेवलप कर ही रहे हैं, राइट? लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इसके लाइसेंस पर काम किया जाए, राइट? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इस पर अट्रैक्ट किया जाए, जहां पर हम लोग भारत के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेके आ सके। यस मिस्टर जादूनाथ जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, प्लीज। मिस्टर जादूनाथ जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते या, मैं क्या बोल रहा था कि क्या वो गरुड़ का कोई मतलब क्या आप एक दिन क्या वो सेशन लेंगे क्या? थोड़ा हम क्या ये मेरा इंटरेस्ट और मैं मतलब क्या थोड़ा समझना चाहते हैं। चलिए गरुड़ का सेशन, गरुड़ का सेशन हम कल ही रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है? गरुड़ का सेशन फिर मेरा इन्वेस्टर को मैं लेकर आता हूँ। मैं मतलब क्या मतलब मैं मेरा सारा इन्वेस्टर को लेकर कल आऊंगा, जरा प्लीज एक सेशन ले लीजिए, मैं वो लिंक भेज दूंगा सबको जो जो इंटरेस्टेड है उसमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली मेरा इन्वेस्टर बहुत सारे है, तो वो एक्चुअली क्या वो पूछ रहे थे, तो उनको पूछ नहीं जाए, तो वो बोल रहे की 2030 के बाद वो शेयर प्राइस मतलब क्या बोलते हैं वो $10 हो सकता है क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है? मे बी सर, बिल्कुल विनोद भल्ला जी एंड पीसी नागेंद्र राव सर प्लीज आप जुड़े रहिएगा। पहले मैं ले रहा हूँ विंदे हर्षदीप जी। ओके प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको, विंदे हर्षदीप आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। देन पीसी नागेंद्र राव सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पीसी नागेंद्र राव सर प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, ये सब आदमी जानना जरूरी भी है। बिल्कुल, अभी अतुल गुप्ता जी ने पूछा था, उसके बाद 4 लाख शेयर होने से उसका $4,01,000 होगा लिस्टिंग पर। अभी आज का अभी लेटेस्ट आप सुनाएगा स्टॉक एक्सचेंज का बारे में, उसमें क्या दिखा 1:1। इसका मतलब अभी 4 लाख शेयर मिलने से 1:1 4 लाख शेयर लिस्टिंग में हम लोगों का, अभी ये तो प्री आईपीओ में एक लमसम है, बाद में उसको 4 लाख शेयर मिलेगा। और इसमें इस रेशियो को आगे पीछे हो सकता है बोलकर एक क्लेम दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल 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 सर। हाँ उसको हम गारंटी नहीं बोलना, 1:1 का जगह 1:5 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है। अभी अतुल गुप्ता सोचेगा, सबको बताएगा 4 लाख है तो $4,00,000 मिलेगा, बेशक $2,00,000 भी मिल सकता है वो। हाँ लेकिन उसमें एक चीज भी लिखा हुआ है सर, उसमें एक चीज भी लिखा हुआ है कि एटलीस्ट $1 उसमें मेंशन किया हुआ है सर। $4,00,000 नहीं होगा उस टाइम,
इसका अनुपात रेशियो चेंज होने से 2 लाख भी हो सकता है। इसका मतलब 2 लाख डाल भी मिलेगा, क्यों बाद में मोहित बोल दिया 4 लाख ऐसा नहीं है, वो 1:99% होगा, बेशक उसको आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल सही, वो बताना हमारा कोर्ट टीम वेटरनरी का तरफ से बताना मैं जरूरी समझा। वेरी गुड। बाद में मोहित को पूछेगा आप 4 लाख डॉलर बोलो, 4 लाख नहीं है, बेशक 8 लाख डॉलर भी हो सकता है, वो बात अलग है। इसलिए ये मीटिंग है 90 मेंबर से, इसलिए मैं भी एक चीज ऑनलाइन को थोड़ा सा कर बताना चाहता हूँ। वो मैक्सिमम 1:1 है, वो चेंज होने से थोड़ा बहुत कम भी, फिर भी हम लोगों को कोई लॉस नहीं होगा। सही बात, क्यों? बिल्कुल। वो 4 लाख शेयर हम पहले लिया था, उस टाइम 32,000 पहले, 4,71,000 मिला था पहले मिला था, वो इसकी वजह से कोई लॉस नहीं है। हमेशा स्टार्टअप में कोई भी इन्वेस्ट करता है लो रिस्क होता है, फायदा बहुत होता है। याद पर डेंस बता 300 times है तो पक्का मिलेगा, कभी भी करो 300 times प्रॉफिट ही मिलेगा, 300 times बस। बिल्कुल, इतना सर, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ओके, यस विनोद मल्ला जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज का डिस्कशन तो बहुत लाजवाब था, बेहतरीन था, और विपुल साहब ने जो डिटेल में बताया, वो जैसे विपुल साहब ने डिटेल में वीटर का टेक्निकल बताया, वैसा हम भी ये सोचते हैं कि जैसा अभी जो डिस्कशन हुआ गुप्ता जी के साथ में, जैसा नागेंद्र साहब के साथ से, कि मतलब डॉलर्स का बेनिफिट कितना होगा, हर एक कॉमन आदमी जो वीटर के अंदर मेंबर है उसको भी ये विस्तार से इन डिटेल एक्सप्लेनेशन किया आपके माध्यम से, तो उसको भी जरा अच्छा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। जैसे 1,000 shares के पीछे $1 होगा, मतलब 4 lakhs का, ऐसा जैसे आपने अभी कैलकुलेशन किया कि 1 crore का 10,000 हो जाएगा। ये सब माइन्यूट डिटेल्स जो है ना, ये लमसम आदमी खाली वीटर का मेंबर बन गया करके अरे वो आपने इतना शेयर का इतना पैसा मिलेगा, लेकिन जैसे अभी ये डिटेल बताई, ये डिटेल वॉज वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी वीटर मेंबर, सो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसकी डिटेल जैसे डिविडेंड का शेयर जो है उसका अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया इन द शॉर्ट स्पैन आफ्टर विपुल सर का जो वीटर का मतलब जो डिटेल देते हैं, उसके बाद में आपने एक सेशन ऐसा लिया वीटर का डिविडेंड्स के बारे में, तो जरा अच्छा रहेगा फॉर द न्यू कमर्स एंड ऑल्सो फॉर द मेंबर्स हु आर ऑलरेडी ज्वाइन दिस। वेरी गुड सर। ओके ठीक है, अभी शायद अतुल गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार फिर से एक बार अनम्यूट करते हैं। यस सर, प्लीज अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सॉरी सर, दोबारा सर एक चीज, जो भी सर बोल रहे थे कि हमारे शेयर्स क्या कम भी हो सकते हैं 1:1, वो थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे एक बार, आई कुडंट गेट दैट पॉइंट। सुनिए, शेयर कम नहीं हो सकता, शेयर की वैल्यू में भी कम हो सकती है, वो इफेक्ट हो सकती है, लेकिन शेयर तो आपके जितना है उतना ही रहेगा। नहीं, अभी सर अभी सर ने बोला था, अगर आपने देखा हो तो सर ने जो बोला था, हाँ पीसी नागेंद्र राव सर, प्लीज एक बार हैंड रेज करके आइए। हाँ जी, प्लीज एक बार पीसी नागेंद्र राव सर, कहाँ पर है, निकल तो नहीं गए। पीसी नागेंद्र राव सर एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आपको। हेलो, यस सर, अभी क्लियर कीजिए। नागेंद्र जी, हाय, अतुल दिस साइड। यस सर, अतुल जी। हाँ जी, मैं अभी आज का एक स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग के बारे में एक न्यूज निकला था। हाँ जी, सपोर्ट का तरफ से उसमें लिखा हुआ लिस्टिंग 25-27 के अंदर हो जाएगा, ठीक है, और शेयर लिस्टिंग में $1 होगा पर मिनिमम, ठीक है, और रेशियो होगा, रेशियो 1:1 और थोड़ा चेंज हो सकता है। मीन्स अगर हमारे पास अभी 4 lakhs हैं तो माइट बी के ये हमारे पास शेयर्स कम भी रह जाए, राइट? नहीं, ये अभी हम लोगों को मिल रहा प्री आईपीओ शेयर से, लमसम एक सर्टिफिकेट होता है, 4 lakh share का एक सर्टिफिकेट होता है अभी, ठीक है, अभी ईडी के में 4 lakh shares का एक ही सर्टिफिकेट होता है इधर अभी। ओके, लिस्टिंग से पहले हमारा डीमैट अकाउंट खोलकर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, उस टाइम पोर्टफोलियो नंबर देगा। ओके, सीनियरिटी में फर्स्ट कौन होगा, फर्स्ट एक पोर्टफोलियो नंबर में आपका 20,000 share हो तो 20,000 share में वो लोग डिसाइड करेगा, एक एक शेयर
1000 शेयर का एक सर्टिफिकेट होगा, नहीं तो 1,00,000 शेयर का एक सर्टिफिकेट होगा, 500 का, वो डिसाइड करेगा। ओके okay. अभी इंडिया में देखो 100 शेयर का एक सर्टिफिकेट होता है कोई कंपनी। ओके okay. वो सर्टिफिकेट इवेंट अभी हम लोगों का प्री आईपीओ में ये क्या बोलते प्रमोशनल शेयर से हम लोग ओनर का शेयर सही है। ओके डिस्काउंट में मिला हुआ। ओके अभी एक्चुअल लिस्टिंग होकर हम लोगों का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हम सेल कर सकता है, अंटे लिस्टिंग के ऊपर ओरिजिनल हमारा आईएसओ नंबर का साथ शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होता है डीमैट में। ओके उस टाइम सेम 1:1 से आपका 4,00,000 रहेगा। ओके वो 1:1 बता दिया, बाय चांस कोई सरकमस्टेंस में थोड़ा पोस्ट उसका रेशियो को चेंज हो सकता है, एक कॉलम लिखा हुआ उसमें आप पढ़ लीजिए। ओके इसका मतलब 1:1 का जगह 2:1 दैट मीन्स दो शेयर में 4,00,000 का दो हो सकता है, नहीं तो 3:2 4:3 इसका मतलब 4,00,000 का जगह 3,00,000 हो सकता है, वो आगे पीछे होने का संभावना बोल कर लिखा, कोई गारंटी नहीं है। देखिए मोहित जी वही बात आ गई ना जो मैं कह रहा था आपसे, आपने कहा नहीं शेयर वैल्यू हम क्वांटिटी ये सर वैल्यू अलग है। सर वैल्यू का तो बात हो गया, सर दो चीजें, एक तो वैल्यू है एक नंबर ऑफ शेयर है राइट। वैल्यू मीन्स वैल्यू लिस्टिंग होने के बाद, अभी देखो ये $1 बता दिया वो $7 भी हो सकता है। नहीं नहीं सर हम तो मिनिमम की बात है, हम मैक्सिमम की बात ही नहीं कर रहे। नहीं मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी अभी स्टॉक एक्सचेंज अभी न्यूयॉर्क में तो $1 होगा ठीक है, लिस्टिंग कौन सा में करता है उसको ऊपर डिपेंड होता है ठीक है। अभी लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क है और नास्डैक है, 3-4 एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसका कुछ अपना अपना रूल है। कोई एक्सचेंज में मिनिमम $1 से कम लिस्टिंग नहीं होगा ठीक है, किसी का 7 है किसी का 4 है, इससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता। सर मैंने तो मिनिमम वैल्यू ही पकड़ लिया ना, मैं तो ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा, तो मैं नहीं वो किस लिए बताया वो लोग, बाई चांस वो लोग न्यूयॉर्क का जगह नास्डैक में जाना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम $1 का $7 होगा ठीक है, उस टाइम क्या का ये वो मिनिमम $1 गारंटी दिया हुआ डेनिस ने। ओके और वो $7 का टाइम होने से आपका थोड़ा बहुत 1:2 होने से भी आपका $1 का प्रॉफिट मिलेगा पक्का। ओके किसी का $10 होने से भी वो उसका गारंटी है पर शेयर पर $1 मिलना ही है। अच्छा मतलब अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे भी हो जाता है तो ये आपका $1 इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा हमारे को नेट वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे जो होगा तो ओके, अगर क्वांटिटी 2:1 भी होता है तो वैल्यू हमारा ऐसा होगा कि हमारे को नेट में उतना ही पड़ेगा, am I right? उतना पड़ेगा। ये इफेक्ट कब पड़ता है, अभी एक बार हो गया आपका बाई चांस फॉर एग्जाम्पल कम नहीं होगा, अभी 4,00,000 का 2,00,000 शेयर हो गया समझो फॉर एग्जाम्पल ठीक है, वो लिस्टिंग होने के बाद 1 साल के बाद डिविडेंड मिलता नहीं है। हाँ जी वो डिविडेंड लिस्टिंग का वो 2,00,000 से पर मिलता, 4,00,000 का ऊपर नहीं होगा। ओके क्यों, लिस्टिंग के बाद डिविडेंड कभी होता है, डिविडेंड भी ऐसा होता है डिविडेंड अपना मर्जी से नहीं देता। अभी बहुत कंपनी से बहुत प्रॉफिट रहता फिर भी डिविडेंड नहीं देता। ठीक बात है बिल्कुल नहीं देता क्यों, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल वेटर है, लिस्टिंग भी हो गया, 4-5 लाइसेंस भी सेल हो गया। ओके और हर लाइसेंस में 100 crore से 2,500 crore प्रॉफिट भी मिल गया हमको। ओके वो एज ए ओनर्स को पहले लिस्टिंग से पहले लाइसेंस होने से प्रॉफिट शेयर मिलेगा को ओनर्स को, ये 10% वालों को। ओके और लिस्टिंग का बाद होने से सबको, बाकी कोई कॉर्पोरेट भी आईपीओ में प्री आईपीओ आईपीओ मिलेगा वो सबके लिए हकदार है, उस टाइम डिविडेंड सबके लिए है। ओके डिविडेंड का टाइम में वो क्या, चलो ठीक है सर मतलब नटशेल में बात ये होगा कि अगर शेयर हमारे क्वांटिटी कम होती है, सपोज कीजिए 4,00,000 का 2,00,000 भी होता है तो हमारा लिस्टिंग वैल्यू 1 का $2 भी हो जाएगा ताकि हमारे को नेट वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। वो वैल्यू ठीक है, मैं सिर्फ डिविडेंड के बारे में बता रहा हूँ।
ठीक है समझ गॉट योर पॉइंट्स, गॉट योर पॉइंट्स, थैंक यू सो मच। डिविडेंड में क्या होता है बताया है? डिविडेंड देना कोई जरूरत नहीं है, ये जो मीटिंग होता है मीटिंग में सब लोग हम लोग वोटिंग होता है, वोटिंग होता है बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, आई नो द क्राइटेरिया, कंपनी किस लेवल पे डिविडेंड देती है बेस्ड ऑन प्रॉफिट। हां वो प्रॉफिट में भी 60% ओनर रखेगा, 40% डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके ओके बिल्कुल, फिर वो बोलेगा कोई हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अपना तरफ से एक प्रोजेक्ट खुद लगाना ही, इस पैसे को प्रोजेक्ट में लगाना ही, तो डिविडेंड नहीं भी दे सकता, वो कंपनी डिसाइड करेगा, वो प्रॉफिट में हम लोग को ये पैसा तो और एक अपना खुद को प्रोजेक्ट लगाने से शेयर वैल्यू 10 से 100 रुपीज चले जाएगा, खुद का प्रोजेक्ट है वो, खुद का प्रोजेक्ट, ठीक है ठीक है, खुद का लाइसेंस से लेने खुद का प्रोजेक्ट है, उसका इनकम पूरा विड्रॉल एलएलसी पे जाएगा। ओके ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। ऐसा बहुत कंपनी ऐसा करता है, डिविडेंड नहीं देता, वो एक्सपेंशन में लगाकर उसको शेयर वैल्यू बढ़ा देता है। कभी कभी कोई क्या करता, वो पैसा नहीं देता, उसको शेयर भी एक्स्ट्रा दे सकता है। ओके सर ठीक है, वो कंपनी कंपनी को ऊपर है, अपना वो एजीएम में डिसाइड होता है सबका, आप मेरा सबका वोटिंग होता है उसमें डिसाइड होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच मोहित जी, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ओके ओके थैंक यू बीसी नागेंद्र राव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तो वंस अगेन अभी हम लोग 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी को बस एक फिर से एक बार रिमाइंडर है कि कल जब हम बैठेंगे राइट, तो हम लोग अपने साथ में एक नए पार्टिसिपेंट्स को, चाहे भले उसने शेयर ले रखे हो या ना ले रखे हो, लेकिन हम लोग अपने साथ में एक पार्टिसिपेंट को जरूर इसके अंदर लेके आएंगे राइट, ऐसा हमने खुद से वादा किया है। ओके सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कल हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं गुरोड की कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद।